हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा नौवीं का राजनीतिक शास्त्र पाठ तीसरा, भारत की सुरक्षा व्यवस्था। स्टूडेंट्स, भारत की सुरक्षा व्यवस्था इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के उपाय क्या, मतलब अगर राष्ट्र की सुरक्षा आपको बचा के रखनी है तो कौन कौन से उपाय करना है, और भारत की सुरक्षा व्यवस्था क्या होती है। अलग अलग सेनाओं की निर्मित की गई है, थल सेना, जल सेना, ठीक है ना, वायु सेना, उनके जनरल होते हैं, फिर उनके जो मेन होता है, जैसे थल सेना जो मेन होता है सेना अध्यक्ष उसको जनरल कहा जाता है, और नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, एडमिरल कहा जाता है, और जो वायुसेना का मेन मुखिया होता है उसे एयर चीफ मार्शल कहते हैं। इन सेनाओं की निर्मित कौन करता है, इन सेनाओं की निर्मित राष्ट्र मंत्रिमंडल करते हैं, और इनकी जो मेन मुखिया होते हैं, ठीक है, जैसे एडमिरल हो गया, एयर चीफ मार्शल हो गया, जनरल, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्धसैनिक बल के बारे में हमने पढ़ा था और गृह रक्षक बल के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो हमको देखना है कि भारत की सुरक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौती आई है, साथ ही साथ मानवीय सुरक्षा किस तरह करनी चाहिए, और मानवीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियाँ, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया क्या। तो हम लोग को पढ़ना है इस पार्ट में क्या, इस वीडियो में क्या देखना है, भारत की सुरक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौती है, कि भारत देश को सुरक्षित रखना है तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो रहेगी स्टूडेंट्स, वो रहेगा उसके पड़ोसी देश, ठीक है। भारत की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा अगर कोई आघात पहुँचा सकता है उसके पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देशों में दो मेन देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, या आप बोल सकते हो चीन और पाकिस्तान, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से तरह जानते हो। जो चीन है वो अलग अलग तरीके से भारत के साथ अलग अलग समय पर युद्ध करता रहता है, अलग अलग तकलीफें देता रहता है सीमा विवाद के मामले में, ठीक है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 के अंदर, कब हुआ था 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके अंदर भारत क्या हुआ था, उससे हार गया था, जिसकी वजह से उसको अक्साई चीन नाम का लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, अक्साई चीन, जिसको चीन को देना पड़ा था, ठीक है, ये युद्ध हुआ था। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए जो पाकिस्तान है उसको लगातार हमारा जो नदी को लेकर, पानी को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, अलग अलग धर्म को लेकर अलग अलग विवादें होती रहती, जिसकी वजह से भारत की सुरक्षा व्यवस्था में ये सारी चुनौतियां आती है। तो इसको पढ़ के समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर लिखा है, स्वतंत्रता से आज तक भारत की सुरक्षा को पाकिस्तान, चीन, इन राष्ट्रों ने खतरा निर्माण करने का प्रयत्न किया है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से सिर्फ दो ही राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया हुआ, उन दो देशों का नाम पाकिस्तान और चीन। भारत और पाकिस्तान अनेक विवादास्पद प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा विवाद है, जैसे कश्मीर की समस्या, ठीक है, पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर उनका है, लेकिन कश्मीर उनका नहीं, भारत का है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उन्होंने एक POK नाम की जगह है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है, लेकिन वो भी भारत का हिस्सा है, ठीक है। जैसे कश्मीर की समस्या होगी, पानी बंटवारे की समस्या, जैसे जो आपने मालूम है सिंधु नदी जो है वो सिंधु नदी पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, तो वो नदी भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, जिसकी वजह से पानी की समस्या निर्माण हो गई। घुसपैठ की समस्या, ये तो समस्या बहुत आम हो गई है, घुसपैठों की समस्या, आए दिन वहाँ से जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो भारत में आते हैं और लोगों को मार के चले जाते हैं, जो मासूम लोग होते हैं जिनका कुछ कसूर नहीं होता, इन लोगों को मार के चले जाते हैं। सीमा विवाद आदि चीज़ें जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है। चर्चा और समझौते से के जरिए भारत इन प्रश्नों को हल करने के निरंतर प्रयास करता रहता है। चर्चा करके, समझौता करके भारत क्या करता है, उन सारी समस्याओं पर बात करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग भारत और पाकिस्तान के बारे में पाठ छठा जो उसके बारे में लोग डिटेल अध्ययन करने वाले, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस प्रकार से हैं, कैसे हैं और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, एशिया महाद्वीप में दो ही देश सबसे महत्वपूर्ण है, एक है भारत और दूसरा है चाइना। दो देश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, हमारे पास हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीपों में जो एशिया महाद्वीप, हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं, जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है, तो एशिया में दो ही देश महत्वपूर्ण है, एक चीन और दूसरा भारत, ठीक है ना। इन्होंने तरक्की भी बहुत की है, भारत की तुलना में तो चीन ने तो ज़्यादा की है और उसकी जनसंख्या भी भारत से ज़्यादा है। वर्ष 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध भी हुआ था, 1962 में चीन के साथ क्या हुआ था, भारत का युद्ध हुआ था। भारत के पड़ोस में होने वाले राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व तो स्थापित करने का प्रयत्न चीन द्वारा किए जाते हैं। चीन क्या कर रहा है स्टूडेंट, तो चीन वो काम कर रहा है जो ऐसे कुछ जगह हैं जो भारत और चीन से जुड़े हुए हैं, तो उन जगहों को अपने अधिकार में करने का वो कोशिश कर रहा है। जैसा आप लोग देख रहे हो अभी रिसेंट में जो
चल रहा है वो लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, तू कहे ऐसे कुछ इलाके हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ इलाके जहां पर चीन क्या कर रहा है, लगातार घुसपैठी कर रहा है और वहां पर अपनी मतलब उस इलाके को अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आप लोग न्यूज देखते होंगे आजकल के टाइम में। जाने कारण भारत चीन संबंधों में तनाव, सीमा रेखा संबंध में भी भारत और चीन का विवाद है। आगे पॉइंट स्टूडेंट्स, भारत की सुरक्षा को लेकर भारत के बाहर राष्ट्रों की ओर से ही खतरा नहीं है, हमको भारत की सुरक्षा केवल भारत से बाहर के जो राष्ट्र हैं उनसे ही नहीं है, उसके अलावा भारत के अंदर जो राज्य है ना उनसे भी खतरा है, क्योंकि वो राज्य में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसकी वजह से भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बाहर से तो ही है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा बाहर से तो है, पड़ोसी देशों से तो है ही है, साथ ही साथ भारत के अंदर जो अलग अलग राज्य है उनसे भी है, ठीक है ना। अब अपितु आंतरिक क्षेत्रों से भी सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण करने का प्रयत्न हो रहा है, जैसे अलग अलग राज्य रहते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर लेते हैं, कि वो लोग चाहते हैं कि उनका स्वतंत्र राष्ट्र, जैसे जब भारत आजाद हुआ तो पंजाब का ऐसा कहना था कि पंजाब एक अलग देश बनना चाहिए, ठीक है ना, उसी तरह तमिलनाडु का भी ऐसा कहना था कि तमिलनाडु भी एक अलग क्षेत्र बनना चाहिए, अलग देश बनना चाहिए। और आप लोग मालूम होना चाहिए पश्चिम बंगाल ने भी स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ था तो उसने मांग की थी कि उसको एक अलग देश बनाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है इस पर गंभीर प्रश्न उठते हैं और फिर भी भारत उन समस्याओं को निपटारा कर लेता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अब बाह्य सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा जैसा अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, अब ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि ये बाह्य सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा, दोनों तरह से भारत को समस्याएं झेलनी पड़ती, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाहरी सुरक्षा हो। तो आंतरिक सुरक्षा में जैसे धर्मवाद, अलग अलग धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारी धर्म के बारे में बात करते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य के लोग रहते हैं, तो उनके अंदर राज्य की प्रांतीयता आ जाती है, वो लोग चाहते हैं कि हमारा प्रांत सर्वश्रेष्ठ है और फिर वो अपने प्रांत को एक देश घोषित करने की कोशिश करते हैं। वैचारिक भिन्नता, अलग अलग राज्यों की वैचारिक भिन्नता क्या है, सबके अलग अलग। वंशवाद, आर्थिक आदि पर आधारित अनेक विद्रोही आंदोलन अंतर्गत क्षेत्रों में अस्थिरता निर्माण करते हैं, जैसे नक्सलवादी आंदोलन भारत द्वारा किया गया था स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद, किसने किया था, ज्यादा आम तौर पर पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और तमिलनाडु, ये तीन राज्यों ने ज्यादा किया था नक्सलवादी आंदोलन। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आतंकवाद भारत की अंतर्गत सुरक्षा के संदर्भ में बड़ी चुनौती, आतंकवाद भारत की जो सुरक्षा है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और आतंकवाद सबसे ज्यादा फैलाने का जो काम है वह हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा होता है, वो जो पाकिस्तान देश है वह भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, मतलब पाकिस्तान में आतंकवादी को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से वो लोग आते हैं और उनका मेन मकसद क्या होता है, जो निर्दोष लोग रहते हैं उनको तकलीफ देना, ठीक है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, सिर्फ भारत की समस्या नहीं पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद नष्ट हो इसके लिए भारत प्रयत्नशील है, भारत हमेशा कोशिश करते रहता है कि जो आतंकवाद है वो किसी तरह से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, मानवीय सुरक्षा, स्टूडेंट्स राष्ट्र की सुरक्षा तो करनी है, देश की सुरक्षा तो करनी है, लेकिन देश की सुरक्षा करने के साथ साथ उस देश में जो लोग रहते उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर उन लोगों की सुरक्षा होगी तो देश की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। तो भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा हो, ताकि जब हर एक व्यक्ति की सुरक्षा होगी तो उस देश की भी सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की कल्पना शीत युद्ध के बाद काल में परिवर्तन हुआ, शीत युद्ध के बाद जो राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना थी वो परिवर्तित हो गई, जो हमको मालूम शीत युद्ध में दो संगठनों का निर्माण किया गया था, एक अमेरिका की ओर से एक रूस की तरफ से, ठीक है, लेकिन भारत उन दोनों देशों में शामिल नहीं हुआ, भारत ने क्या किया था, अलग ही नियम अपनाया था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, वो किसी भी गुट में शामिल ना होकर अलग गुट में शामिल हुआ था, और इसके बाद वो क्या चाहता था कि भारत के लोगों की क्या होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, तथा वह अधिक व्यापक हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य केवल देश की सुरक्षा नहीं होता है, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा करना है इसका मतलब यह नहीं होता कि केवल देश की सुरक्षा करना, ठीक है, ये गलत बात है, केवल देश की सुरक्षा करना नहीं, देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी सुरक्षा करना, देश के अंदर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, ऐसा नया विचार उनमें आया, क्योंकि देश की सुरक्षा अतत नागरिकों के लिए होती है। देश की सुरक्षा हम लोग क्यों करते हैं, देश की सुरक्षा इसलिए की जाती है कि उसके अंदर जो नागरिक लोग रहते हैं उनकी भी सुरक्षा पूरी हो, इसलिए नागरिकों को केंद्र स्थान में रखकर सुरक्षा का नए सिरे से विचार करना ही मानवीय सुरक्षा
है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर राष्ट्र की सुरक्षा करना ये सबसे बड़ा विचार मानव सुरक्षा होता है। मानव सुरक्षा सभी प्रकार के खतरों में मानवीय की रक्षा करना। मानव सुरक्षा मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का खतरा आ जाए देश के ऊपर, हर एक खतरे में मानव की क्या करना? रक्षा करना, उन्हें शिक्षा देना, जो मानव है जो देश में रहते हैं उनको शिक्षा देना, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं विचार करना, विकास करना, अवसर उपलब्ध कराना करा देना, उनको नौकरियां देना, उनको रोजगार उपलब्ध करवा देना, ये सारी चीजें आ जाती है मानवीय सुरक्षा के अंदर। स्टूडेंट्स हमको समझ में आएगा कि मानवीय सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है। जैसे निरक्षरता, ठीक है, जो निरक्षरता हमारे देश की है, अनपढ़ लोग, निरक्षरता मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो लोग पढ़े लिखे नहीं, जो लोग साक्षर नहीं, उसको निरक्षर कहा जाता है। तो निरक्षरता कम करना, दरिद्रता कम करना, अंधविश्वास लोगों को बहुत है भारत में, ठीक है, उन अंधविश्वास को करना, पिछड़ापन, लोग आज भी पिछड़ापन ख्याल रहता है, ठीक है, पिछड़ापन चीज को मानते हैं वो लोग, तो इन सभी चीजों को दूर करना, सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना, इसका समावेश मानव सुरक्षा में होता है। तो मानव सुरक्षा में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? कि निरक्षरता को दूर किया जाए और समाज में जो दरिद्रता है उसको दूर किया जाए, जो समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है, जो पिछड़ापन है, इन सबसे दूर करके उनको सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण किया जाए, ताकि इसकी वजह से मानव सुरक्षा पूरी हो। ठीक है, अब अल्पसंख्यक तथा के अधिकारों की रक्षा मानव सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अल्पसंख्यक जो जिनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है और जो दुर्बल वर्ग के लोग आते हैं, जो आदिवासी ग्रुप में आ जाते हैं, उनकी सुरक्षा करना भी मानव सुरक्षा के अंतर्गत आ जाता है। अब स्टूडेंट्स ये तो आपको समझ में आ गया कि मानव सुरक्षा क्या होती है, कि मानव सुरक्षा में आप क्या करोगे कि उनकी निरक्षरता, उनकी दरिद्रता, उनका अंधविश्वास, उनका जो पिछड़ापन है उनको दूर करना है और उनको एक सम्मान के साथ जीने के लिए मौका देना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो मानव सुरक्षा करने में आती है? ठीक है, पढ़ लेते उसको। मानव सुरक्षा में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। सबसे बड़ा चुनौती क्या है? आतंकवाद। ठीक है, अगर उस देश में, उस समाज में आतंकवाद रहेगा तो वहां मानव सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि आतंकवाद का मेन मकसद क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है? सामान्य निरपराध मनुष्य होते हैं, सामान्य लोग जो होते हैं, जो निरपराधी लोग होते हैं, ठीक है, उनको तकलीफ देना, उनको मारना, उनके मन में आतंक भय का निर्माण करना, आतंकवाद का मेन मकसद होता है कि सामान्य जनता को मारो, उनको तकलीफ दो, उनके मन के अंदर आतंक और भय का निर्माण कर देना, उनमें असुरक्षा की भावना निर्माण करना आतंकवाद हेतु होता है। अतः मानवीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद नष्ट करना आवश्यक है। यदि मानव की सुरक्षा को बचा कर रखना है तो आतंकवाद को क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना पड़ेगा। ये चुनौती था, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगली चुनौती देख लेते हैं स्टूडेंट्स मानवीय सुरक्षा के सामने, कि पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। आप सबको मालूम है पर्यावरण बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। अब जब प्रदूषण बढ़ेगा तो अलग अलग बीमारियां आएंगी, जब अलग अलग बीमारियां आएंगी तो समाज के हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा क्या? नहीं। जब हर एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह समाज तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इबोला जैसे घातक बीमारियां समाज में निर्माण होती है, क्योंकि परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है और परिवर्तन होने के साथ साथ प्रदूषण बहुत तेजी से हो रहा है और इस प्रदूषण की वजह से मानव जीवन में एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इबोला जैसी भयंकर बीमारियां फैल रही है। और अभी तो आप लोग देख रहे हो, अभी कौन सी भयंकर बीमारी फैली हुई है? कोरोना, COVID-19, ये बीमारी फैली हुई है जो क्या होती है, संसर्गजन्य रोग है, एक दूसरे व्यक्ति से छूने से होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह की बीमारी ही है। ठीक है ना, वातावरण परिवर्तन होने की वजह से ऐसी बीमारियां अस्तित्व में आती है जिससे मानव समाज के लिए क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे रोगों से मानव की रक्षा भी मानव सुरक्षा का घटक माना जाता है। ऐसे रोगों से बचाना मानव की सुरक्षा हो जाती है, घटक माना जाता है कि मानव की अगर रक्षा करना है तो मानव को अलग अलग रोगों से होने से क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। ये भी मानव की सुरक्षा के अंदर आता है। ये हमारा अगला पैराग्राफ है। भारत सुरक्षा व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन हमने इस अध्ययन में किया कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होती है। ठीक है, अलग अलग सेनाओं के नाम हमने पढ़े, उन सेनाओं की नियुक्ति कौन करता है, उन सेनाओं का काम क्या होता है। ठीक है ना, अर्ध सुरक्षा बल क्या होते हैं, गट रक्षक बल क्या होते हैं, गृह रक्षक बल क्या होते हैं। ठीक है, जल सेना क्या होती है, वायु सेना क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भारत की सुरक्षा के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं और उन चुनौतियों को भारत कैसे निपटारा कर रहा है। और भारत में बाहरी चुनौतियां तो वही है, साथ ही साथ आंतरिक चुनौतियां भी है, क्योंकि अलग अलग राज्य में रहने वाले लोगों का धर्म, प्रांत और विचार
विचार अलग होता है, जिसकी वजह से भारत के अंदर आंतरिक चुनौतियां भी निर्माण होती है। इसके बाद हमने पढ़ा मानवीय चुनौती। मानवीय चुनौती के आदेशन शीत युद्ध के बाद मानव की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा मकसद बन गया था, जिसमें मानव के अंदर जो निरक्षरता है, दरिद्रता है, अंधविश्वास है, पिछड़ापन है, इन सभी को क्या करना, दूर करना, इसका समावेश किया गया था। और उसके बाद हमने पढ़ा मानव सुरक्षा में आने वाली चुनौती कि मानव सुरक्षा को करना है तो कौन कौन सी चुनौती आ रही। सबसे पहला देखा हमने आतंकवाद, दूसरा हमने देखा प्रदूषण, जिसकी वजह से मानव की सुरक्षा में क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। अब आगे राष्ट्रीय सुरक्षा में मानव सुरक्षा, ऐसा सुरक्षा संबंधित कल्पना में परिवर्तन हमने अध्याय में समझा। राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब मानव सुरक्षा। अगले अध्याय में हम संयुक्त राष्ट्र संघ, इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन करेंगे, जो पाठ चौथा है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है, वो मानवीय सुरक्षा के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार करता है जो पूरे विश्व में लागू होती है और पूरे विश्व को मानना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों? तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमको यहीं तक देखना था। इस तरह से हमारा पूरा पार्ट पूरा हो गया। उम्मीद है आप लोगों को पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।